మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत. आज मैं जीव विज्ञान इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसी को कहते हैं PCR. इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है. कोई एक जीन यदि है और उस जीन का बहुत सा प्रतिरूप तैयार करना है तो कई प्रतिरूप तैयार करने के लिए इस अभिक्रिया PCR का प्रयोग किया जाता है. इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है. PCR चक्र में मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं. पहले चरण के अंतर्गत DNA को 92 डिग्री सेल्सियस पर एक मिनट तक थर्मल साइक्लर के में रखकर गर्म करते हैं, जिससे उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं. तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है. यह सामान्यतया 48 डिग्री सेल्सियस पर रहता है. इसे इस तापक्रम पर भी एक मिनट के लिए रखा जाता है. इसके बाद विस्तार किया जाता है, जो 27 डिग्री सेल्सियस पर एक मिनट के लिए होता है. इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है. इस प्रक्रम द्वारा DNA खंड को 1 अरब गुना तक प्रवर्धित किया जा सकता है. पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में DNA खंड के अतिरिक्त उपक्रमकों एंजाइम टैंक, DNA पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइमेथाइल सल्फाक्साइड आदि की आवश्यकता पड़ती है. तो स्टूडेंट, किस किस पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में DNA खंड के अतिरिक्त उपक्रमों जैसे एंजाइम टैंक, DNA पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइमेथाइल सल्फाक्साइड की आवश्यकता पड़ती है. उपक्रमकों को दो समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है. एक 5' से 3' की ओर जाने के लिए तथा दूसरा 3' से 5' की ओर जाने के लिए. प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड हैं जो DNA क्षेत्र के पूरक होते हैं. तो अब मैं आपको स्टूडेंट, PCR क्या है आप समझ गए होंगे. तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि PCR का उपयोग कहां कहां और किस रूप में होता है. तो PCR का उपयोग रोगाणुओं की पहचान करने में होता है, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में होता है, DNA फिंगर प्रिंटिंग में होता है, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में होता है, विलुप्त जीवों तथा मनुष्यों के ममी अवशेष से DNA खंड के क्लोनिंग में किया जाता है. तो यह है महत्वपूर्ण टॉपिक PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और उसका उपयोग. यह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य तैयार करें. धन्यवाद.